सर आज एक अच्छा मिले। उत्तर प्रदेश में यूपी पीआरपीबी की ओर से जो है आयोजित की गई नागरिक पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की पहली पाली जो है सीतापुर में सकुशल संपन्न हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है अब यहां पर निकलना शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दें यहां पर सीतापुर में 8 केंद्रों पर जो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है आयोजित की गई है, जिनमें जीआईसी है, जीडीआईसी है और उदागरलाल आरआरडी, और इसके अलावा जो है ये आरएमपी इंटर कॉलेज और आरएमपी डिग्री कॉलेज, कुल 8 केंद्रों में। हम यहाँ पर जो है कुछ अभ्यर्थी निकल रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर में क्या नाम है भाई। अभिषेक तिवारी। कहाँ से आए आप? हम गोंडा से आए। गोंडा से आए। हाँ। ये जो पहला पेपर पहली पाली में हुआ, हाँ। कैसा माहौल रहा? पेपर बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। जीएस जो जीके, हाँ। का जो पेपर, हाँ, होता है, हाँ, जीएस तो अच्छी थी अपने लेवल पे। लेवल कहेंगे, नहीं मॉडरेट कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। और जो रीजनिंग का पेपर, रीजनिंग एकदम मस्त आ रही है। अच्छा, और मैथ? मैथ भी अच्छा आ रहा है। अच्छा, और जनरल हिंदी? हाँ सर, जनरल हिंदी भी बढ़िया आ रही है। और अच्छा। सब पेपर, हाँ, थोड़ा जीएस मॉडरेट आ रहा है बस। जी, सरकार की ओर से जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी वो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया शासन है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर विद्यार्थी है और यहाँ पर जो है उनका ये कहना है। मैम से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? रीना। अच्छा, कहाँ से आए आप? बेटा रीना। आज जो ये पेपर हुआ है, कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा है। अच्छा है। जो चारों पोर्शन थे उनका क्या लेवल आप मानते हैं? इजी है, मॉडरेट है, टफ है, कैसा था? टफ। टफ था। अच्छा, ये बताइए कौन सा पोर्शन आपको जो है ज्यादा टफ लगा? गणित का। गणित का। देखिए ये मैम है, इनका जो है गणित का पेपर जो है बता रही है टफ है। फिलहाल कुछ अभ्यर्थी है, उनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम अभिजीत सिंह। कहाँ से आए आप? मैं गोंडा से आया हूँ। अच्छा, ये बताइए कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा रहा। अच्छा, क्या लेवल रखेंगे, इजी मॉडरेट या टफ? नहीं नहीं, इजी नहीं था, थोड़ा मॉडरेट में, मॉडरेट में था। कौन सा पोर्शन जो है सबसे अच्छा आ रहा है? अच्छा आ रहा है आपका जीएस जीके भी आ रहा है, अच्छा आ रहा है, हिंदी भी अच्छी आ रही है। अच्छा, जीएस जीके और हिंदी। अच्छा, ये बताइए जो सरकार की ओर से इस बार व्यवस्था की गई थी, चाक चौबंद जो है री एग्जाम हो रहा है, पहले पेपर लीक हो गया था, इस बार आपको कैसा लगा? अच्छा लगा थोड़ा। सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट है। अच्छा, तो ये देखिए अभ्यर्थी यहाँ पर जो निकल रहे हैं, इस बार जो है जो री एग्जाम हुआ है उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार के संसाधनों से, सरकार के द्वारा जो है की गई व्यवस्थाओं से जो है संतुष्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर अन्य अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। क्या नाम है भाई साहब? सर हरेंद्र कुमार। जी, हरेंद्र कुमार। अच्छा, कहाँ से आए हैं? सर पीलीभीत से। पीलीभीत से। ये बताइए जो ये पेपर आज आप देख के आए हैं, ये किस लेवल का आ रहा है? इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, कैसा? नहीं, सही था, मॉडल था। अच्छा, मैथ कैसी आ रही है? मैथ बहुत सिंपल है। सिंपल आ रही है। रीजनिंग का स्तर कैसा? रीजनिंग तो बहुत ही ज्यादा सरल है। अच्छा, पाइप चार्ट के हैं क्वेश्चन। और तो जीके का लेवल है क्या, उसमें करंट अफेयर ज्यादा पूछा गया या जीके ज्यादा है? जीके में तो सर मेरा सही नहीं हुआ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बेस्ट विशेष जो है ये अभ्यर्थी हैं, जीके के पोर्शन को लेके जो है काफी परेशान थे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विनीत। विनीत जी सर। अच्छा, कहाँ से आए आप? पीलीभीत से। अच्छा, ये बताइए कि जो आप पेपर देके आए हैं कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक रहा। चारों पोर्शन में कौन सा पोर्शन जो है टफ आपको लग रहा था? मुझे थोड़ी जीके टफ लगी। जी सर। जीके में क्या करंट अफेयर ज्यादा थी या जीके के क्वेश्चन ज्यादा थे, जनरल अवेयरनेस के ज्यादा थे? क्या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, वो थोड़े टफ थे, इसलिए वो कम हुए उससे। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह ज्यादा डीप पूछी जा रही? हिस्ट्री का एक दो क्वेश्चन नहीं थे, हिस्ट्री के नहीं थे क्वेश्चन। अच्छा, हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन थे, बाकी के तुम्हारे यूपी जीके का एक दो क्वेश्चन आए हुए थे, बाकी रीजनिंग का ज्यादा टफ लेवल नहीं था, इजी लेवल था, और हिंदी भी उसके जो पैराग्राफ था उसका थोड़ा टफ था, बाकी सब ठीक था। हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं। क्या नाम है मैम आपका? भावना मिश्रा। भावना मिश्रा, कहाँ से आए आप? लखनऊ। लखनऊ से। ये जो पेपर देके आप निकले हैं जो है
कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा आया था। कौन सा पोर्शन जो है ज्यादा इजी था, कौन सा टफ लगा आपसे? मुझे जीएस का ज्यादा इजी लगा, मैथ्स का मुझे टफ लगा। मैथ्स का पेपर जो है मुझे थोड़ा टफ लगा। रीजनिंग की क्या स्तर था? रीजनिंग का भी ठीक था। अच्छा, हिंदी वगैरह सब बढ़िया? हाँ, हिंदी वगैरह। देखिये, ये जो है महिला अभ्यर्थी जो यहाँ पर निकल रहे हैं वो मैथ को लेकर के थोड़े चिंतित दिख रहे हैं। बाकी जो है आप देख सकते हैं जो यहाँ पर महिला अभ्यर्थी और जो है पुरुष अभ्यर्थी हैं वो पेपर को लेके संतुष्ट हैं। और जो है यहाँ पर मैम, क्या नाम है आपका? अंजलि बाजपेयी। ये जो आप पेपर देके निकले हैं, कहाँ से पहले आप? तो ये हम रायबरेली से आए। अच्छा, ये जो पेपर आपने दिया है कैसा रहा पेपर? ठीक था, मैथ और रीजनिंग थोड़ा टफ आई थी, बाकी ठीक था। अच्छा, ये बताइए सरकार की ओर से री एग्जाम में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के मानक बढ़ाए गए, कैसा लगा आपको? नहीं, ठीक थे, अच्छा था। इस बार पिछली बार से अब की बार ठीक था, थोड़ा हम लोग को आने जाने में दिक्कत हुई, बाकी ठीक था, कोई समस्या नहीं। नहीं, नहीं। तो देखिए मैम जो है जो यहाँ पर आई हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो सरकार की ओर से इस बार संसाधन उपलब्ध कराए गए, जो माहौल बनाया गया, जो सिक्योरिटी को लेकर के जो मानक अपनाए गए, उससे ये अभ्यर्थी संतुष्ट है। फिलहाल पेपर के लेकर के इनका कहना है, जो पुरुष अभ्यर्थी है जो हैं उनका सामान्यता ज़्यादातर पोर्शन सही बता रहे हैं, और जो महिला अभ्यर्थी जो एक कुछ एक निकली वो जो है मैथ्स को लेकर के थोड़ा परेशान दिखी हैं। फिलहाल आपको बता दें सीतापुर में 8 जो हैं परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली में 3420 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 10 बजे से 12 बजे तक इसका समय था और सारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी वो भ्रमणशील थे, जो है सभी जो है परीक्षा केंद्रों पर जो है व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा डीएम अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्रा वह भी लगातार भ्रमणशील थे। मैं जिस विद्यालय पे खड़ा हूँ यहाँ पर भी वो आए थे और यहाँ पर उन्होंने जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ बातें भी कही थी, हम अपने दर्शकों को वह सुनवाते हैं। देखिए सीतापुर में 8 केंद्रों में परीक्षा चल रही है, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। एक पाली में अराउंड लगभग 3400 यहाँ पे अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग टेस्टिंग के लिए, बायोमेट्रिक के लिए सभी व्यवस्थाएँ की गई हैं। हर परीक्षा हॉल में सीसीटीवी लगाया गया और हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट एसडीएम साहबान और हमारे हर केंद्र पे एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स लगाए गए हैं केंद्र प्रभारी के रूप में। वो सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ये देखिए क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है और जैसा कि शासनकालीन मंशा है कि अधिक से अधिक संख्या में रोजगार दिए जाए, तो इसलिए सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं और ये परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो। तो आपने देखा जिलाधिकारी अभिषेक आनंद भी जो है इसी बात को कह रहे हैं कि पहली पाली में जो परीक्षा व्यवस्था की गई थी वो शांति सफल रूप से यहाँ पर परीक्षा जो है संपन्न हो गई है और यहाँ पर अभ्यर्थियों का भी यही जो है अभी उनके द्वारा कहा गया है। फिलहाल कैमरे के पीछे सहयोगी हसन गोगा हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।